छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगने जा रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध में तकरीबन 2.5 महीने और लगेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में हर महीने औसतन 900 टन डिस्पोजल पॉलिथीन समेत अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक की खपत होती है। बता दें कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं रायपुर में जुलाई 2017 में पॉलिथीन कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाया गया था। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कई अथक प्रयास किए जो निरर्थक निकले। वहीं नगर निगम 30% से अधिक प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकल करने की बात करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कचरे को रिसाइकल करने का दावा 1% भी दिखाई नहीं देता।